हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, प्रेस करें बेल आइकन ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आपके पास। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा, 20% की छूट मेकिंग चार्ज पर। द करी नाइट्स फैमिली रेस्टोरेंट, दिल्ली मोड़ NH57 दरभंगा, फ्री होम डिलीवरी, कैटरिंग सर्विसेज, बैंक्वेट हॉल। त्योहारों की उमंग अग्रवाल शॉपिंग मॉल के संग गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। ग्रे मैटर अ प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर नीट, खानका चौक, नाग मंदिर, दरभंगा। हाईएस्ट परसेंटेज वाइज सिलेक्शन रेशियो। फर्नीचर खरीदिए ऑनलाइन से भी सस्ता, फर्नीचर विलेज, रेडियो स्टेशन के सामने, जीएम रोड, दरभंगा। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण में 6 बजे तक मतदान का प्रतिशत सामने आ गया है। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि दरभंगा जिले में शांतिपूर्वक मतदान संपन्न हो गया है और मतदान का जो प्रतिशत 6 बजे तक के आंकड़े आपके पसंदीदा न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे पर आए हैं, उसके अनुसार 83 दरभंगा शहरी सीट पर 55.4%, 84 हायाघाट विधानसभा सीट पर 54.9%, 85 बहादुरपुर सीट पर 55.2%, 86 केवटी विधानसभा क्षेत्र में 55.3% और 87 जाले विधानसभा क्षेत्र में 53.8% वोट पड़े हैं। पांचों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो गया है। जिस वक्त हम यह खबर कंपोज कर रहे हैं, इस वक्त तक कहीं से किसी बड़ी घटना की कोई सूचना नहीं है, किसी भी घटना की कोई सूचना इस वक्त तक नहीं है जब तक हम यह समाचार जब कंपोज कर रहे हैं। पांचों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में दरभंगा जिले में शांतिपूर्वक मतदान संपन्न हुआ है। मतदान का औसत 54.86% रहा है। यह आज की सबसे बड़ी खबर है। लेकिन कल सुबह की जो सबसे बड़ी खबर होगी वह दरभंगा एयरपोर्ट को लेकर होगी। कल सुबह की जो पहली किरण होगी वह नई खबर, नया सवेरा लेकर दरभंगा ही नहीं पूरे मिथिला के लोगों के लिए लेकर नया सवेरा वह किरण आएगी। कल की जो सबसे बड़ी खबर होगी वह दरभंगा एयरपोर्ट को लेकर होगी। कल सुबह की नई किरण नया सवेरा लेकर आएगी पूरे मिथिला के इलाके के लिए, न केवल दरभंगा बल्कि पूरे मिथिला के इलाके के लोगों की खुशी का कल सुबह ठिकाना नहीं रहेगा, तब जब दरभंगा एयरपोर्ट से हवाई सेवाएं, सिविल एविएशन, आम लोगों के लिए, आम आदमी की उड़ान शुरू हो जाएगी। फिलहाल यहां सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। एयरफोर्स के रडार सिस्टम से विमानों को फिलहाल सिग्नल मिलेगा। तैयारियां आज देर रात तक पूरी हो जाने की मुकम्मल तरीके से जानकारी दी गई है। पूरी हो जाएंगी सभी तैयारियां। लगातार कई दिनों से एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों की यहां बैठकों का दौर चल रहा था। सामानों की आवाजाही लगातार एयरपोर्ट के लिए चल रही थी। सामान सभी पहुँच गए हैं। दरभंगा में बने नए एयरपोर्ट से कमर्शियल फ्लाइट्स के आने जाने का सिलसिला कल से शुरू हो जाएगा। इससे मिथिलांचल से देश भर की कनेक्टिविटी बढ़ेगी, लोगों को हवाई यात्रा में आसानी होगी। दरभंगा एयरपोर्ट पर सभी जरूरी प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया जा चुका है। इसे लेकर नागरिक उड्डयन विभाग और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों के बीच लगातार बैठकें की जा रही हैं। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के अधिकारियों के अनुसार सभी काम आज रात तक हर हाल में पूरे कर लिए जाएंगे। देर रात तक सब कुछ संपन्न हो जाने की उम्मीद है। बिहार में पहले से कार्यरत पटना और गया एयरपोर्ट के बाद अब मिथिला क्षेत्र के लिए दरभंगा में ये तीसरा एयरपोर्ट ऑपरेशनल होने वाला है। जो शेड्यूल है दरभंगा एयरपोर्ट से विमानों के आने और जाने का, इसको आप समझ लीजिए। यह जानकारी आपको पता ही है कि स्पाइस जेट के विमान यहां से उड़ान भरेंगे और उन्हीं की यहां लैंडिंग होगी। फिलहाल उम्मीद जताई जा रही है कि आगे और नई विमानन कंपनियां भी इसमें जुड़ेंगी, लेकिन फिलहाल स्पाइस जेट के जो विमान उड़ेंगे, पहला विमान दिल्ली के लिए उड़ेगा दरभंगा से। दरभंगा से दिल्ली के लिए पहला विमान कल सुबह 11:45 पर उड़ेगा। यह 1:30 पर दिल्ली पहुंचेगा। यह एरोप्लेन डेली चलेगी और 8 नवंबर से यह शुरुआत हो जाएगी सेवाएं। जो भी सेवा हम आपको जानकारी दे रहे हैं वो सभी कल 8 नवंबर से शुरू हो जाएंगे। वापस दिल्ली से दरभंगा आने के लिए कल 2:10 पर दिल्ली से एरोप्लेन उड़ेगा और वह 3:55 पर दरभंगा पहुंचेगा। दरभंगा से मुंबई के लिए दरभंगा एयरपोर्ट से टेक ऑफ करेगा स्पाइस जेट का विमान कल 12:40 पर। यह 3:10 पर पहुंचेगा मुंबई। मुंबई से दरभंगा प्लेन की वापसी होगी 9:40 पर। वहां से वह प्लेन उड़ेगा और 12:10 पर यह दरभंगा एयरपोर्ट पर लैंड करेगा। दरभंगा से बेंगलुरु के लिए विमान 4:25 पर दरभंगा एयरपोर्ट से उड़ान भरेगा। यह 6:55 पर
बेंगलुरु एयरपोर्ट पर लैंड करेगा और बेंगलुरु से दरभंगा आने वाली फ्लाइट बेंगलुरु से सुबह 8:45 पर उड़ान भरेगी और 11:15 पर यह दरभंगा पहुंचेगी। तो 3 विमान यहां से डेली उड़ेंगे और 3 की होगी यहां लैंडिंग। हर अपडेट सबसे सटीक, सबसे विश्वसनीय और सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है आपका न्यूज़ टुडे दरभंगा।